Hello class, how are you all? I hope all are fine. Now take out your English reader book and today we will learn about and chapter number 5, the Big Bell. So let's start chapter number 5, the Big Bell, page number 11. Understand? So yeah, you can see in this picture one boy is there and one girl is also. So Jack has a ball, Jill has a doll, Jill is small, Jack is tall, Jack calls Jill. So यहाँ पे क्या है, देखिए Jack has a ball, जो Jack है उसके पास क्या है, ball. तो ball किसके पास है, इसके पास ना, तो इसका name क्या है, Jack. And Jill has a doll, Jill के पास क्या है, doll है. ये जो girl है इसका name क्या है, Jill, और इसके पास एक doll है. Jill is a small, Jill कैसी है, small है, छोटी है. और Jack is tall, Jack कैसा है, लंबा सा है. Jack calls Jill, जैक ने किसको बुलाया, जिल को बुलाया. नाउ विल कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन सी हियर दे आर डूइंग समथिंग. ओके, सो दैट इज अ मिल, दिस इज अ वेल, द वेल इज अ फुल ऑफ वाटर, द वेल हैज अ वॉल, देयर इज अ बेल ऑन द वॉल, जिल पुल्स द बेल. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दैट इज़ अ मिल. यहाँ पे क्या है, देखिए एक मिल है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना सारा धुआं निकल रहा है इसमें से. मिल जो होती है उसमें से धुआं निकलता है ना बाहर, जो उनकी चिमनी लगी होती है उसमें में से. सो दिस इज़ अ वेल, ये क्या है, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं. द वेल इज़ फुल ऑफ वाटर, वेल किससे फुल है, वाटर से, इसमें बहुत सारा वाटर है. जनरली कुएं में वाटर ही होता है. सो द वेल हैज़ वॉल, वेल के पास क्या है, वॉल है, मतलब दीवार होती है ना, कुएं के पास में दीवार होती है जिससे कि आप उसके सहारे रह के पानी फिल कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ बेल ऑन द वॉल, जो वॉल है, जो दीवार है उसके पास में क्या है, बेल है, घंटी है. ठीक है, बेल मीन्स होता है घंटी. जिल पुल्स द बेल, तो जिल ने क्या किया, बेल को खींचा, बेल को पुल किया. उसके बाद क्या हुआ, ओहो, नाउ शी फेल डाउन, राइट. सो ओह द बेल, डिंग डोंग, जिल फॉल्स डाउन द हिल. फिर क्या हुआ, बेल ने एक आवाज़ निकाली, डिंग डोंग, है ना, जिल फॉल्स डाउन द हिल. जिल कहाँ गिर गई, हिल के नीचे गिर गए. हिल मीन्स होता है पहाड़ियाँ, फॉल मीन्स होता है गिरना. सो जिल जो बच्ची थी छोटी सी, वो पहाड़ियों के नीचे गिर गई. सो प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी हियर ही इज़ रनिंग, राइट. व्हाई ही इज़ रनिंग, लेट्स रीड. जिल इज हेल्प हेल्प, जैक रन्स डाउन द हिल. जिल क्या चिल्ला रही थी, एल्स मतलब होता है चिल्लाना या बुलाना किसी को, हेल्प हेल्प मतलब अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी वो. जैक रन्स डाउन द हिल, जैक क्या गया, हिल से मतलब पहाड़ियों से नीचे उतर के दौड़ता हुआ गया. जाहिर सी बात है उसकी हेल्प के लिए गया होगा, है ना. सो यू कैन सी हियर शी इज़ क्राइंग एंड ही इज़ सेइंग टू हर समथिंग, राइट. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट ही इज़ सेइंग टू हर. सो जैक गिव्स अ पिल टू जिल. पिल मीन्स क्या होता है, गोली या दवाई. ठीक है, तो जैक ने क्या किया, जिल को एक पिल दी, एक गोली दी, एक टैबलेट दी. डिंग डोंग सेज द बेल. उसके बाद जो बेल थी, जो घंटी थी, वो कैसे बोलने लगी, टिंग डोंग. सो नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर. आई होप आपको इसकी स्टोरी समझ में आई होगी. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट. सो यू कैन सी हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. सो हु हैज़ अ बॉल, बॉल किसके पास थी, यस जैक के पास. सो यू हैव टू राइट हियर, जैक हैज़ बॉल. हु हैज़ अ डॉल, सो डॉल किसके पास थी, जिल के पास. सो जिल हैज़ अ डॉल.
हु पुल्स द बेल, बेल को किसने पुल किया था, जिल ने, सो जिल पुल्स द बेल. हु फॉल्स डाउन द हिल, कौन नीचे गिर गया, तो जिल, सो जिल फॉल्स डाउन द हिल. वॉट डज जैक गिफ्ट टू जिल, जैक ने जिल को क्या दिया था, सो जैक गिव्स अ पिल टू जिल. ये आपके आंसर्स हैं. नाउ विल कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2. रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इन सर्कल द करेक्ट वर्ड. सो यू हैव 4 सेंटेंसेस, ओके, एंड यू हैव टू इन सर्कल द करेक्ट वर्ड. जिल हैज़ अ डॉल स्लैश बॉल, तो जिल के पास क्या थी, डॉल थी या बॉल थी, यस, जिल के पास क्या थी, डॉल थी. तो आपको किसको सर्कल करना है, इसको, डॉल को सर्कल करना है, ओके. एंड जैक हैज़, जैक इज स्मॉल और टॉल, जैक कैसा था, स्मॉल था या टॉल था, तो जैक टॉल था, तो इन सर्कल आपको किसे करना है, टॉल को. जिल पुल्स द वेल और बेल, जिल ने किसको खींचा था, किसको पुल किया था, तो बेल को किया था. बेल मीन्स घंटी और वेल मीन्स कुआं, ठीक है, तो इसलिए आप बेल को सर्कल करेंगे. जिल फॉल्स डाउन द मिल स्लैश हिल, जिल कहाँ गिर गई थी, हिल के नीचे ना, सो आप किसको करेंगे, जिल फॉल्स डाउन द हिल, हिल को सर्कल करेंगे. जैक गिव्स अ पिल स्लैश बिल टू जिल, जैक ने जिल को क्या दिया था, तो एक पिल दी थी, मतलब एक टैबलेट दी थी. सो जैक गिव्स अ पिल टू जिल, सो यू हैव टू सर्कल द पिल, आपको सर्कल किसको, किस पे करना होगा, पिल पे. सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट डे वी विल डू प्रैक्टिस बुक, ओके. बाय बाय क्लास, थैंक यू.